स्टीडपसिस क्या होता है अगर हम डिसिमिलर इमेजेस को फ्यूज कर पाएं तो वो हमारी स्टीडियोपसिस होती है अब अगर दो डिसिमिलर इमेज हैं जैसे इसको मान के चलो ये दो पॉइंट हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है अगर ये दोनों पॉइंट हमारा एक पैनम्स फ्यूजनल एरिया होता है अगर मान के चलो ये हमारा पैनम्स फ्यूजनल एरिया है तो अगर इसमें ये दो पॉइंट हैं और इनको हम लोग फ्यूज करके एक इमेज बना पा रहे हैं तो ये होता है कि हमें हमारे हमें स्टीरियपिस की कैपेबिलिटी है तो स्टीरियोपसिस क्या है इट इज़ द एबिलिटी टू फ्यूज़ डिसिमिलर रेटिनल इमेज विच स्टिमुलेट द रेटिनल एलिमेंट विद इन द पैनम्स फ्यूजनल एरिया इन द टू आइज़ विद द परसेप्शन ऑफ डेप्थ तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये दो अलग अलग पॉइंट हैं लेकिन ये दोनों पॉइंट जो हैं वो हमारे पैनम्स फ्यूजनल एरिया के अंदर हैं तो ये दोनों पॉइंट जब इमेज बनाएंगे तो रेटिना के अलग अलग पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे लेकिन अगर हम इन दोनों को फ्यूज करके एक इमेज बना पा रहे हैं तो हमें स्टीडियोपसिस होती है अब स्टीडियोपसिस की जो ग्रेडिंग होती है वो लीस्ट हॉरिजोनटल डिस्पैरिटी ऑफ रेटिनल इमेज दैट इवोक्स डेप्थ परसेप्शन उसके हिसाब से ग्रेडिंग होती है अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो दो रेटिनल इमेज हैं उनमें कितनी मिनिमम कम से कम कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्पेरिटी होनी चाहिए जैसे एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है अगर हम इन दोनों को फ्यूज़ कर पा रहे हैं और एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है अगर हम इन दोनों को भी फ्यूज़ कर पा रहे हैं तो जो हमारी जो मिनिमम ये वाली जो है ये जो ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्पेरिटी है इसको अगर हम फ्यूज़ कर पा रहे हैं तो हमारी वो मिनिमम स्टीरियोप्सिस होगी है ना और इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं इट इज़ मेजर इन सेकेंड्स ऑफ आर्क अब नॉर्मल स्टीरियो एक कितनी होती है ये होती है अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी सेकेंड्स ऑफ आर्क और बेटर स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज आर कोटेड बाई डिफरेंट वर्कर्स लेकिन जो हर कोई मानता है वह हैिक्सटी सेकेंड्स ऑफ आर्क एन इंडिविजुअल विद वेरी गुड स्टीरोस्कोपिक विजन मे ऑफ आर्क विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्पेरिटी ऑफर्ड इन द फ्रिजबी स्टीरियो टेस्ट रेंज जो होती है वो सिक्सटी टू फिफ्टीन सेकेंड्स ऑफ आर्ग तक की होती है द मैक्सिमम स्टीरियो एक्विटी इज अचीव वेन द इमेज फॉल ऑन द मैकुलर एरिया ऑफ द रेटिना वेर द रिजोल्विंग पावर ऑफ द आई इज एट द बेस्ट तो जो हमारी मैक्सिमम स्टीरियो एक्विटी तब होती है जब जो इमेजेस हैं वो हमारे मैकुला पर गिरे क्योंकि हमारी जो मैकुला का रिजॉल्विंग पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कॉन्स कंसनट्रेटेड होते हैं गुड स्टीरियो एक्टीज देयर फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल सिंगल बायनोकुलर विजन अ स्टीरियो एक्टी ऑफ बेटर देन टू फिफ्टी सेकेंड ऑफ आर्क इज सेड टू एक्सक्लूड सिग्निफिकेंट एमलायोपिया वेयर एज अ स्टीरियो अर ऑफ वर्स टू फिफ्टी सेकेंड्स ऑफ आर्क मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एमलायोपिया तो जो टू फिफ्टी है वो हमारा एक बॉर्डर लाइन मान के चलो तो अगर टू फिफ्टी सेकेंड्स ऑफ आर्क से बेटर है तो मतलब कि एमलायोपिया नहीं है मतलब सिग्निफिकेंट एम्लायोपिया नहीं है लेकिन अगर टू फिफ्टी सेकेंड्स ऑफ आर्क से भी वर्स है हमारी स्टीरो एकुटी तो उसका मतलब कि एमलायोपिया है अब क्लिनिकल टेस्ट क्या होते हैं स्टीरोक्विटी के इसमें बहुत बार हमारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं लेकिन जो यूके में कॉमनली यूज किए जाते हैं वो हमारा टिटमस टेस्ट याद रखना द टी एन ओ टेस्ट द फ्रिजबी टेस्ट एंड द लैंग स्टीरियो टेस्ट मैं फिर से एक बार बोलूँगी टिटमस टी एन ओ फ्रिजबी एंड द लैंग स्टीरियो टेस्ट द टिटमस टेस्ट विच इंक्लूड्स दर्ड फ्लाई टेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ वैक्टोग्राफ अब वैक्टोग्राफ होता क्या है इसमें दो सुपर इम्पोज व्यूज होते हैं विच आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट द लाइट एंट्रिंग ईच आई इज प्लेन पोलराइज द लाइट फ्रॉम वन व्यू बींग एट अ राइट एंगल टू दैट फ्रॉम द अदर द कंपोजिट पिक्चर मस्ट बी व्यूड थ्रू अ पोलराइजिंग वाइजर और स्पेक्टिकल्स तो टिटमस टेस्ट होता है इसमें हम लोग पेशेंट को एक पोलराइजिंग चश्मा पहनाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हम उसको एक वेक्टोग्राफ दिखाते हैं वैक्टोग्राफ में दो सुपर इम्पोज व्यूज़ होते हैं और उनसे लाइट इस तरीके से निकलती है कि एक से निकलने वाली लाइट दूसरी इमेज से निकलने वाली लाइट के परपेंडिकुलर होती है तो जब हम एक पोलराइजिंग पिक्चर पहनते हैं पोलराइजिंग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं या वाइजर पहनते हैं तो हमें वो एक थ्री डी इमेज दिखनी चाहिए जैसे कि जो टिटमस फ्लाई टेस्ट होता है उसमें हमें एक फ्रेम से उठी हुई सी हमें एक मक्खी दिखती है या एक फ्लाई दिखती है दूसरा है द वर्ड फ्लाई टेस्ट ज द लार्जेस्ट टारगेट इन द टेस्ट ये जो इसमें एक वर्ड फ्लाई होती है ठीक है वो लार्जेस्ट टारगेट होती है टेस्ट में विच ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रेडेड सेट ऑफ से टेस्ट मस्ट बी व्यूड एट फोर्टी सेंटीमीटर्स एंड कवर अ रेंज ऑफ जीरो फ्राम अप्रॉक्सीमेटली थ्री थाउजेंड टू फोर्टी से जो टेस्ट है वो हम चालीस सेंटीमीटर दूरी पर देखते हैं और उसमें जो स्टीरो रेंज है वो थ्री थाउजेंड टू फोर्टी से होती है द टेस्ट में क्या होता है तीन क्लियर प्लास्टिक प्लेट होती हैं अलग अलग थिकनेस की और हर एक प्लेट में हमारे चार स्क्वायर होते हैं और हर एक स्क्वायर में इट इज फिल्ड विद स्मॉल रेंडम शेप्स वन स्क्वायर ऑन ईच प्लेट इट कंटेन्स अ हिडन सर्किल हर एक स्क्वायर में एक हिडन सर्किल होता है विच इज़ प्रिंटेड ऑन द बैक सर्फेस ऑफ द प्लेट द रैंडम शेप्स गिव नो विजुअल क्लू टू द एज ऑफ द हिडन सर्किल एंड द टेस्ट इज प्योरली थ्री डायमेंशनल एंड डज नॉट रिक्वायर पोलराइजिंग और कलर्ड ग्लासेस टू बी वर्न अब ये जो हमारा फ्रिजबी टेस्ट है इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें हमें कोई भी पोलराइजिंग या कलर ग्लासेज पहनने की जरूरत नहीं होती है इसमें हमारी तीन प्लास्टिक की प्लेट होती है और हर एक प्लेट में चार स्क्वायर होते हैं और उसमें रैंडम शेप्स होते हैं हर एक स्क्वायर में नहीं एक हर एक प्लेट के किसी एक स्क्वायर में हिडन सर्किल होता है जो कि प्लेट के पीछे वाले सरफेस पर प्रिंटेड होता है और जो रैंडम शेप्स होते हैं ये हमें कोई भी विजुअल क्लू नहीं देता है कि हिडन सर्किल कहाँ है चालीस सेंटीमीटर पर हम इसको रख के देखेंगे हमें डिस्पेरिटी कितनी कितनी हम लोग इसे स्टीरियो मेजर कर सकते हैं वो थ्री फोर्टी वन सेवेंटी एंड फिफ्टी फाइव सेकेंड्स ऑफ आर्क उसके बाद आ जाओ टी एन ओ टेस्ट पे जो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी थैंक यू